बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कीटी हेल्थ में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर से हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल वज़न का बढ़ जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक तकरीबन इसको फेस कर रहा है। तो इसको मैं आज एक बहुत ही सिंपल टिप आपको बताने वाली हूँ, इसको कंट्रोल करने के लिए, अपने वेट को कम करने के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देगा और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। और जैसे डिज़ायर आप करते हैं कि आपकी बॉडी शेप वैसी हो जाए, वैसे ही आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने सिर्फ इस टिप को फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को मैंने हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मच्छी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अपनी आज की हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो आज की टिप जो है वेट लॉस के लिए, उसके लिए आपको लेना होगा गार्लिक। गार्लिक आप सब जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद होता है, इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। गार्लिक में ऐसी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके फैट को बर्न करती हैं, इनके चर्बी को पिघलाती है और आपके वज़न को तेज़ी से कम करती है। क्योंकि गार्लिक बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्म चीज़ आपकी फ़ैट को पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ अगर आपको जोड़ों का मसला है या आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या पेन वगैरह रहती है, तो अगर आप गार्लिक का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उससे आपकी जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको कब और कैसे यूज़ करना है तमाम में इसी वीडियो में आज को मैं आपको बताऊँगी। तो आपने इस वीडियो को फुल देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, आपने सिर्फ 3 से 4 बालियाँ लेनी है लहसुन की। और सुबह आपने उठते ही, जब आपने उठना है, तो कुछ खाए पिए बगैर आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ गार्लिक की 3 से 4 बालियाँ जो है वो खा लेनी है। और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ये प्रोसेस आपने डेली करना है जब तक आपको अपनी मनचाही जो वेट है वो मिल ना जाए। तकरीबन 1 महीना रेगुलरली यूज़ करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपका जो फैट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। और अगर आपके जिस्म में कोई पेन वगैरह है तो वो तो 1 वीक के अंदर ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ आपने अपने डाइट का भी ख्याल रखना है, आपने ऑयली चीज़ों से परहेज करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, जहाँ जितना हो सके आप करें। इंशाल्लाह आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फैट जो है वो लूज़ हो जाएगा। और आपको सप्लीमेंट जो मैं बता रही हूँ वो सप्लीमेंट यही है कि आपने लहसुन की 3 से 4 बालियाँ सुबह निहारमू लेनी है 1 गिलास 3 गर्म पानी के साथ। और ये प्रोसेस आपने डेली करना है, इसमें गैप नहीं लेना, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। अगर आपको स्टमच प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ आप 2-3 दिन देख करके देख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसको रेगुलरली कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ आप इसको ना करें, क्योंकि स्टमच प्रॉब्लम वालों को गर्म चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।